कोविड 19 संक्रमण के चलते देश भर में लॉकडाउन किया गया, साथ ही कोरोना योद्धा लगातार मैदान में डटे रहे। उसी का परिणाम है कि जोधपुर में संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाब भी हुए और 1000 से अधिक लोग ठीक होकर अपने अपने घर भी गए। संक्रमण के चलते योद्धा अपने घर नहीं जा सके और सर्किट हाउस और होटलों में रुके रहे। लंबे समय के अंतराल के बाद कोरोना टेस्ट किया तथा नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद घर के लिए निकले। सीएमएचओ बलवंत मंडा की टीम अपने अपने घर के लिए निकल रहे हैं। सीएमएचओ बलवंत मंडा भी आज अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने पर घर का भावुक माहौल देखने को मिला। अपनी बच्चे, बहन, माँ सहित सभी क्षेत्र के लोग मिलकर सीएमएचओ बलवंत मंडा की आरती उतारी और स्वागत किया। कोरोना योद्धा सीएमएचओ बलवंत मंडा की पत्नी ने बताया कि हमारे लिए 70 दिन बहुत ही मुश्किल भरे थे। बात करने के लिए 24 घंटे इंतजार करना पड़ता था, लेकिन हमें ये भी एहसास हुआ कि हम भी एक ऐसे योद्धा की पत्नी है जो सेना में नौकरी करने वाले मिलिट्री जवान से कम नहीं है। वहीं डॉक्टर मधुश्री मंडा ने बताया कि लॉकडाउन के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए तो सीएमएचओ बलवंत मंडा के छोटे पुत्र ने अपने पिता को फोन करके कहा कि सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं तो आप भी अब घर आ जाइए। अब जिन लोगों के लिए बाहर रुके हुए हैं वह लोग अब सड़कों पर घूम रहे हैं, अब आप भी घर आ जाइए। पिछले 2 महीनों से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। सीएमएचओ बलवंत मंडा ने जब अपने पुत्र की भावुक भरी बातें सुनी तो उन्होंने आज ही अपने घर आना तय किया। वहीं आपको बता दें कि जब सीएमएचओ बलवंत मंडा घर पहुंचे तो उनकी माता की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। सीएमएचओ बलवंत मंडा ने अपनी माँ के पैर छुए, वे माँ ने भी अपने बेटे को गले लगा लिया। वहीं सीएमएचओ बलवंत मंडा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी जंग लड़नी बाकी है। सीएमएचओ बलवंत मंडा ने आमजन से भी अपील की, जब भी आप बाहर जाएं तो मुंह पर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और विशेष सावधानी रखते हुए अपने जरूरी कार्य करें। सीएमएचओ बलवंत मंडा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दूरदर्शिता व संवेदनशीलता का परिणाम ही है जिससे जोधपुर सैंपलिंग के मामले में सबसे अव्वल रहा और उसी का परिणाम है कि डेथ रेट सबसे कम रही। देखिए, एक लंबे अंतराल के बाद में वापस घर पे वापसी हुई है। हालांकि ये सफ़र मार्च के शुरुआती समय के अंदर भी जब इटली के पर्यटक घूम के गए थे तभी ये शुरू हो गया था, लेकिन अप्रैल के अंदर जिस तरीके से 22-23 मार्च को जोधपुर के अंदर पहला केस आया और उसके बाद में जिस तरीके से केसेज के अंदर बढ़ोतरी होनी शुरू हुई, तो निश्चित रूप से घर की सुरक्षा को और बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए घर छोड़ना लाजमी था। और हालांकि एक लंबे अंतराल के बाद में वापसी हुई है और मैं ठीक है, घर वालों का और सभी का, साथियों का एक मनोबल है, एक साथ है जिसकी वजह से इस जंग के अंदर हम लगातार जारी रहे हैं आगे भी और लड़ते रहे हैं। हालांकि मैं ये चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। जिस तरीके से लॉकडाउन के अंदर लोग घरों के अंदर बंद थे और केसेज के अंदर एक स्टेडी ग्रोथ थी और अब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में जिस तरीके से आवागमन भी लोगों का बढ़ा है तो हमारे लिए भी बाहर रहना अब एक लंबे अंतराल के बाद में बच्चों से दूरी बनाए रखना, परिवार से दूरी बनाए रखना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। और जोधपुर की जनता से भी ये अपील है, बाकी सभी से भी ये अपील है कि हमें अब सावधानी रखने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को काम के लिए भी बाहर जाना है, हर व्यक्ति को उसके बाद में अपने काम काज के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए भी बाहर आवागमन करना पड़ेगा। तो हमें अपने परिवार वालों का, अपने स्वयं का और परिवार में स्थित बुजुर्गों का, इन सभी का विशेष रूप से ध्यान रखना ज़रूरी है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ही दूरदर्शिता का परिणाम कहूँगा और संवेदनशीलता का परिणाम कहूँगा जिसकी वजह से जोधपुर सैंपलिंग के मामले में, चाहे हम सैंपलिंग के मामले में कहें या डेथ रेट कम करने के मामले में कहें, ये हमारा जो लक्ष्य था हमने इस लक्ष्य को अभी तक हमने इसकी प्राप्ति की है और निश्चित रूप से आगे भी हम इसके अंदर जो डेथ रेट है हमारी उसको हम कम करने के अंदर कामयाब रहेंगे। सर, कितने दिन हुए आपको घर से दूर रह रहे हैं? 70 डेज से घर वालों को ज़्यादा याद है।
ये निश्चित रूप से जहाँ हम जनता की सुरक्षा की बात करते हैं तो निश्चित रूप से स्वयं की और परिवार की सुरक्षा का सबसे पहले है। तो निश्चित रूप से हमने हमारी सैम्पलिंग जो हमारा टेस्टिंग था वो हमने करवाया है, बिल्कुल नेगेटिव आने के बाद ही हम घर के अंदर एंटर कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं जनता से भी अपील करूँगा कि जहाँ पर भी आपको डाउटफुल वाली सिचुएशन लगती है और जहाँ पर भी आपको संशय की स्थिति है, बिल्कुल अपनी सैम्पलिंग अपने निकटतम जो भी स्वास्थ्य केंद्र है जिनकी सूची हमने ऑलरेडी चस्पा की हुई है और लोगों में सर्कुलेट भी की हुई है सोशल मीडिया के मार्फत, वहाँ जाकर अपनी सैंपलिंग जरूर करें। सर अब आपकी पूरी टीम कर जा रही है, तुम सबका सैंपलिंग हो चुका है? देखिए फेजिंग मैनर के अंदर हम लोग इस चीज़ को अमल में ला रहे हैं। जिस तरीके से पहले संपूर्ण प्रशासन ने ही बाहर डेरा डाला हुआ था सर्किट हाउस के अंदर, उसके बाद में फेजिंग मैनर के अंदर सभी लोग प्रशासनिक अधिकारी भी अपने अपने घरों की ओर रवाना हुए। और जिस तरीके से हमने कोरोना के अंदर भी आप ये चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि सबसे पहले हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स काफ़ी फुल रहते थे और क्वारंटाइन सेंटर्स को फेजिंग मैनर में कम करते करते जिस तरीके से पॉजिटिव पेशेंट्स को होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की गई और एक सोशल एक्सेप्टेंस आई, सोशल एक ऑनरशिप जिस तरीके से आई, तो निश्चित रूप से जो ये बर्डन है इस बर्डन को हमें धीरे धीरे कम करना होगा। और इस चीज़ को हमें जिस तरीके से अब लॉकडाउन भी खुला है और लोग अपने अपने कामों में भी व्यस्त हैं और हमें इस चीज़ के साथ में एक लंबा सफ़र तय करना है 6 महीने साल भर, तो इस चीज़ के अंदर सावधानियाँ रखते हुए ही हम आगे बढ़ें तो मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा मुफीद होगा सभी के लिए। धन्यवाद की रहे हैं और मुश्किल था थोड़ा बट नामुमकिन नहीं था। थोड़ा सा एहसास हो गया कि हाँ हम भी फौज के घर वाले हैं कि इतने समय से दूर है, बट इनको यहाँ पे आने के लिए मजबूर कर दिया कि 2 दिन पहले बेटी ने कहा पापा जिसके लिए बाहर गए थे आप वो सब लोग तो बाहर आ गए तो अब आप घर पे आ जाइए। तो ऑब्वियसली है कि इतने लंबे समय बाद में खुश हैं बट हम तैयार हैं कि कभी वापस घर से बाहर निकल जाए तो इस बार इतना मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि अब आदत हो गई है। नहीं जैसे कि ये जो समय निकला उस दौरान आप कैसे बात करते थे? कभी बात करने के लिए रात को 1:30 बजे तक वेट करना पड़ता था, 1:30 से 2 बजे के बीच में बात होती थी, बच्चे 2 बजे तक जगते थे रात को, पूरे दिन में पॉसिबल नहीं होता था। फिर शुरू में बाहर का खाना लेते थे, उसके बाद में बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, हेल्थ इशूज़ हो गए थे तो खाना घर से जाता था। उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगी ड्राइवर साहब जो है महेंद्र जी, मतलब कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं है कि चलो अब आ जाओ तो अब आने को तैयार है, कितने बजे आना अभी जूस ले जाना कुछ भी, तो हमेशा तैयार रहते थे। तो कहते ना कि लड़ाई में एक इंसान नहीं होता है, जब इनके साथ में इनकी टीम इतनी स्ट्रांग थी तभी ये लोग यहाँ तक और इस कहते ना कि लेवल तक पहुँच पाए कि काफ़ी हद तक इन्होंने कंट्रोल किया। साथ सबका होता है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। तो मैं जैसा कि डॉक्टर साहब ने अनुरोध किया है जोधपुर की जनता से तो मेरा भी वही है कि इतने समय तक संयम बना के रखा तो थोड़ा सा और सही। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर मधुश्री बलवंत मंडा।